अगेन वेलकम एंड डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम नंबर 6 ऑफ चैप्टर पैरेलल लाइन स्टैंडर्ड 8th चैप्टर नंबर 8 सम नंबर 6. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन सम नंबर 5. नाउ सम नंबर 6 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. बी ए ओ इन फिगर बी ए ओ. सो सेंटर में क्या है? ए. एंड हेयर इट इज सी. इट मीन्स सी पॉइंट को देखेंगे और ए पॉइंट को देखेंगे. बी ए ओ मीन्स दिस एंगल and DCO means this angle. So these two angles are equal. It is given. तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शेड कर देते हैं. ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं. नाउ इट इज ओ सी एंड ओ सी इज वेयर ओ सी इज इक्वल टू ओ डी. ओ सी इज इक्वल टू ओ डी. ओ सी इज इक्वल टू ओ डी. अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी पैरल टू सी डी. इसका मतलब अगर जो ये एंगल है, अगर ये एंगल यहाँ हम ले आए, ऑल्टरनेट एंगल बना दें, या ये एंगल इसके इक्वल कर दे, तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगे. क्योंकि लाइंस पैरेलल अगर हमें प्रूव करना है तो या तो हमें ऑल्टरनेट एंगल प्रूव करने पड़ेंगे या हमें क्या करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि अगर ये दो लाइंस हमें पैरेलल इक्वल गिवन है, इट मीन्स हम इस ट्राइंगल को कॉन्सेंट्रेट करते हैं. एंड इफ़ दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, अगर दो साइड्स इक्वल तो आइसोसेलेस, तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन हम ले लेते हैं इसको एंगल वन, इसे ले लेते हैं एंगल टू, और इसे ले लेते हैं एंगल थ्री. सो एंगल वन बी ए ओ, इट मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. दिस इज एंगल वन बी ए ओ और एंगल टू गिवन. बी ए ओ इज इक्वल टू डी सी ओ, इट मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. बट ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, मीन्स ओ सी डी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड इफ इट इज आइसोसेलेस, सो एंगल थ्री टू इज इक्वल टू एंगल थ्री. एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री. ये देखो एंगल टू किसके बराबर हो गया, एंगल थ्री के. अब एंगल थ्री, बट दीज आर, अब इसको अगर हम कंपेयर करें, बट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री. बाय कंपेयरिंग एंगल वन, अब दोनों ये जो एंगल वन अगर टू के इक्वल है, टू थ्री के इक्वल है, तो वन थ्री के इक्वल हो गया. तो आप इसको इसके बीच में से आप निकाल दो. ऐसो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री. अब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री मीन्स वन जो अगर थ्री के बराबर है, तो ये देखिए एक जेड बनता है. हम कहते हैं ना जेड ऑल्टरनेट एंगल बनता है. तो एंगल वन अगर थ्री के बराबर है, तो वन कौन सी लाइन बना रही है, ए बी. थ्री कौन सी लाइन बना रही है, सी डी. इट मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री. तो ऑल्टरनेट हो गए, हम लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर मेड बाय ऑलवेज मेड बाय या फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी. सो हमने क्या कर दिया, प्रूव. होप समझ आ गया होगा अच्छे से. अब हम इसका नेक्स्ट सम करने जा रहे हैं, सम नंबर. नाउ सम नंबर 7. एंगल ए इज इक्वल टू 75. इन द डायग्राम दिस इज ए बी सी इज ट्राइंगल. ए इज 75. सी ई पैरल टू, सी ई पैरल टू ए बी. अगर आप सी ई पैरल टू ए बी, देन दिस लाइन वी कैन टेक एज अ ट्रांसवर्सल, और दिस लाइन वी कैन टेक एज अ ट्रांसवर्सल. मीन्स इफ दीज टू साइड्स आर टेकन एज अ पैरल, तो दोनों को इंटरसेक्ट कौन सी लाइन करती है, या तो ए सी हम ले सकते हैं या बी डी ले सकते हैं. अगर आप ए सी लेते हो, तो ए सी के साथ आप जेड बना सकते हो, मीन्स कि ऑल्टरनेट एंगल ले सकते हैं. अगर आप बी डी लेते हो, तो बी के साथ हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं. सो वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू. फाइंड द अदर टू एंगल. इफ ए सी डी, अगर ये एंगल आपके पास 40 डिग्री है, देन फाइंड द टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. हम क्या करेंगे, वी विल टेक ए बी पैरल टू ई सी, देन वी विल टेक इट एज बी बी डी इज इक्वल एज अ ट्रांसवर्सल. जब आप बी डी को ट्रांसवर्सल होगे, तो देखिए पैरल साइड, पैरल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, पैरल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, दोनों एंगल जो हैं वो
पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल बना रहे हैं. सो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, 40 डिग्री. बी इज द 40 डिग्री एंगल बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे. तो बी अगर हमारे पास आ गया, देन ए इज ऑलरेडी 75, बी इज 40 डिग्री. तो इंटीरियर सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव गिवन फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. तो दैट इज वेरी इजी. और वी कैन टेक 75, यहाँ एंगल आप 1 ले सकते हो. अगर आप इसको 1 लेते हो तो 75, दिस विल बी 1. 1 इज इक्वल टू 75 बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए. फिर दिस इज 75 प्लस 40 प्लस दिस एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा. तो 180 से आपका जो है वो 180 का एडिशन करके और हम लोग ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. देन एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. बट हमारे लिए ये ज़्यादा ईजी है अगर आप सीधा बी के साथ 40 ले लेते हो. देन वी विल टेक हेयर. सो दिस इज द डायग्राम. हेयर वी विल टेक सोल्यूशन by taking a, it is given AB parallel to CE and BD as transversal. जब आप BD को transversal लोगे तो angle ABC, ABC और ECD ये कुछ ऐसे angle बन जाएगा. You will see ऐसे angle बनेगा ये, this one. तो ये एंगल और ये एंगल, अगर हम ये दो लाइंस पैरेलल लेते हैं एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. तो सिमिलरली बी और 40 डिग्री विल बी सेम. तो आप इस लाइन को अगर बीच में से हम निकाल देते हैं तो आप देखिए सेम स्टाइल बनता है एंगल का. सो दिस इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी. तो ए बी सी कितना हो गया हमारे पास, 40 डिग्री. अब ये 40 डिग्री एंगल बना, मींस एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री. अब एंगल बी हमारे पास 40, एंगल गिवन एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री. एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री. एंगल बी हमारे पास एक सिंगल एंगल आ चुका है. अब हम एंगल ए फाइंड आउट कर, ए ऑलरेडी गिवन, बी वी हैव फाइंड आउट. नाउ एंगल सी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए 75, एंगल बी 40 डिग्री. एंगल सी इज नॉट गिवन, सो एंगल सी इज इक्वल टू 180. सो इट विल बी प्लस 5 एंड 7 4 11, दैट इज 115. एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री, that will be 10 minus 5, 5, it will be 7, it is 65. C is equal, angle C is equal to 65 degrees. So both the angles, angle B is equal to 40 degree, angle C is equal to 65. Again see, we will take these two lines as a parallel and this is transversal and transversal. So angle B or angle 40 degree ban jayenge hamare paas corresponding angles. ये रीजन देना मस्ट होता है जब हम लोग कोई भी एंगल फाइंड आउट करते हैं. सो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग बी, डायरेक्टली वी हैव टेकन. नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो हमारे पास इंटीरियर सी एंगल भी आ जाएगा. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट सम, सम नंबर 8, डीएवी मैथ्स चैप्टर 8 पैरेलल लाइंस. सी इन द बुक, फर्स्ट दिस इज गिवन, सी इन द बुक. Given L parallel to M and angle X, angle Y and angle Z we have to find out. Then two transversals are there, angle this transversal angle P and Q. But P and Q both are not parallel. It means this sum is separate and this sum is separate. Ye separate part hua and this sum is separate. So it means aap pehle itna solve karenge, फिर हम लोग इतना सॉल्व करेंगे. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती देन फिर हम दोनों जो क्या करते, कंपैरिजन करते और एंगल पी का रिलेशन दैट विल बी विद एंगल विद लाइन पी इज रिलेटेड टू लाइन क्यू इफ बोथ आर पैरेलल. बट दीज आर नॉट पैरेलल. इट मींस आधा सम हमारा ट्रांसवर्सल पी के साथ होगा और आधा सम हमारा ट्रांसवर्सल क्यू के साथ होगा. नाउ वी विल सी, पी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद लाइन एल and we want y. so this line is parallel to this line. अगर ये line parallel है and this is transversal, तो this angle and this angle will be corresponding. so इसका इसके साथ तो कोई relation नहीं बनता, but हम क्या करेंगे, इसके साथ पहले ये angle find out करेंगे. इसको हम लेंगे angle 1.
40 डिग्री, एंड नाउ फिर क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर, 1 + y = 180 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लाइन, इस लाइन का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, सो क्यू लाइन इज सेपरेट. तो क्यू लाइन सेपरेट है तो हम क्यू लाइन के साथ अलग से सम सॉल्व करते हैं. नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, सो 110 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. फिर उसके बाद आप इसको लीनियर पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द सेम डायग्राम आई हैव मेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एक्स. अगर एक्स लेना है फिर हमें क्यू पहले लेना पड़ेगा. तो फर्स्ट पार्ट, एंगल एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये डाल देते हैं. गिवन एल पैरेलल टू एम एंड क्यू इज ट्रांसवर्सल. क्यू इज ट्रांसवर्सल. जब ट्रांसवर्सल है तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स, को इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट एंगल्स. तो हमने देखा एक्स के साथ 110 अपर एंगल विद अपर एंगल, लाइन का अपर पार्ट, लाइन का अपर पार्ट विद ट्रांसवर्सल, बोथ आर सेम. सो वी विल से हेयर एंगल एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. Corresponding angles and corresponding angles. अब x के साथ z, this is d, d बनती है, it means this is linear pair. Now second part, find z, क्योंकि x के साथ z हम find out कर लेते हैं, y बाद में करेंगे. So x plus z is equal to 180 degree linear pair. X is given 110 degree plus z 180, तो z हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री. सो एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री. बोथ एंगल्स वी हैव फाइंड आउट फ्रॉम द ट्रांसवर्सल क्यू. अब हमारे पास रह गया सिर्फ वाई. वाई के साथ हम 40 डिग्री, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग तो हमारा ये एंगल बनता है, वी आर टेकिंग हेयर वन. आप इसको वन ले सकते हो. वन के साथ एंगल लेंगे हम थर्ड पार्ट टू फाइंड वाई. एल पैरेलल टू एम एंड पी इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल वन इज इक्वल टू 40 डिग्री. वी विल से हेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. अब वन के साथ हम क्या लेंगे, y, 1 प्लस y, फिर लीनियर पेयर, 1 प्लस y, 180 डिग्री लीनियर पेयर, LP डाल देते हैं. एंगल y इज इक्वल टू 1 कितना है, 40 डिग्री, तो 180 डिग्री, तो एंगल y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 डिग्री, दैट विल बी 140 डिग्री. सो x आपके पास आ गया 110 डिग्री, y इज 140 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 170 डिग्री. होप यू आर गेटिंग ऑल दिस सम्स. सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. ओनली वन सम इज लेफ्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. वी आर गोइंग टू डू दिस नेक्स्ट सम बिकॉज दैट इज लेंथी. सो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो की वेट करते हैं. थैंक यू सो मच.